ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसे में आमजन व शहरवासियों को गर्मी व धूप से राहत देने के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में अब लाल बत्ती पर राहगीरों को धूप से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। अलीगढ़ में लाल बत्ती पर नगर निगम के द्वारा ग्रीन नेट लगवाई गई है, जिससे कि लाल बत्ती होते समय भीषण धूप में सिग्नल पर खड़े होने वाले राहगीरों को धूप से राहत मिल सके। नगर निगम द्वारा लाल बत्ती पर राहगीरों के लिए लगवाए गए इस ग्रीन नेट की शहरवासी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। अलीगढ़ में ये किस तरह के नेट लगाए गए हैं, कहां पर लगाए गए हैं और क्या इनका उद्देश्य है? इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी भीषण पड़ रही है, टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर है। इसको देखते हुए नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। जहां जहां हमारे ग्रीन सिग्नल लगे हुए हैं वहां पे वहां रुकते हैं, इससे जो भी यात्री हैं उनको गर्मी से राहत मिले। उसको देखते हुए हम लोग ग्रीन सेट जगह जगह लगवा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश चौहान है। मुकेश जी, ये किस तरह का तिरपाल लगाया गया है, किस तरह ये नगर निगम ने जो है अपनी तरफ से रेड लाइट पे जो लगाया है, जो आज भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये जनता के लिए बड़ी अच्छी सुविधा के लिए करा है। अब बहुत नगर निगम को धन्यवाद दूँगा और अपनी पूरी मीडिया को दूँगा, जो इस तरीके से उनका जो है मनोबल बढ़ाते हैं और अच्छा लगता है ये जो है अपने अलीगढ़ शहर के अंदर ऐसी सुविधा होती है। गर्मी से राहत मिल रही है? हाँ, यहाँ खड़े होकर रेड लाइट से गर्मी से राहत मिल रही है। पहले किस तरह की परेशानी होती थी? बहुत परेशानी थी, धूप में खड़ा रहना, रेड लाइट जल रही है, आदमी भाग रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है धूप में, आज ये थोड़ी राहत तो है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस भीषण गर्मी में आमजन से लेकर हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। आसमान से बरसती हुई आग लोगों पर कहर बरपा रही है। तापमान है कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी के चलते सबसे बड़ी समस्या अलीगढ़ शहर के पेयजल आपूर्ति की है। नगर निगम के सारे दावे प्रयास सब फेल साबित हो रहे हैं। जनता पेयजल की समस्या से जूझ रही है, लेकिन नगर निगम सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। पिछले 4 माह से पानी की आपूर्ति बंद पड़ी होने की वजह से आज वार्ड नंबर 27 में सरायकाजी की जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई है। सुबह से ही लोग पानी भरने के लिए अपने अपने बर्तनों को लेकर जैगन चौराहे पर जमा हो गए हैं और पानी की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया है। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई और नगर निगम व महापौर को कोसते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारी लोगों ने बताया कि पिछले 4 माह से सरायकाजी की जनता पीने के पानी के लिए परेशान है। क्षेत्रीय पार्षद से लेकर नगर निगम व महापौर तक से कई बार मिलकर लिखित में अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, मगर अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो सका है। अनिल कुमार सर, पानी नहीं आता काफी टाइम से, मोहल्ला सरायकाजी जयगंज लकड़ी के टाले वार्ड नंबर 27 काफी टाइम से समस्या, पानी नहीं आता बिल्कुल भी। काफी लोगों पर शिकायत की थी, अमित ने भी शिकायत की थी, अमित सरकार जी मैंने महापौर जी पे शिकायत करी थी। मैं यहाँ से कम 15-20 लोगों को लेके गया था, महापौर जी के ऑफिस में बैठा था, उनने आश्वासन दिया कि पानी आपको कल तक मिलना चालू हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उनके पीए साहब हैं डॉक्टर तरुण जी, उन्होंने मुझे नंबर दिया, मेरे पे नंबर भी है और वो बोलते हैं कि पानी आप आ जाएगा, आज आ जाएगा। कम से कम 6 से 7 बार गया हूँ मैं, यहाँ पर कुछ लोग भी है मेरे भाई बहन, मैं उनको भी लेके गया हूँ, लेकिन आश्वासन यही मिलता है कि पानी आ जाएगा। 3 महीने होली से अब तक पानी का कोई समस्या नहीं हुई है। कंप्लेंट देके और आज हम लोगों ने इसी वजह से सभी लोग उत्साही हो गए हैं कि पानी से परेशान होने के बाद में धरना प्रदर्शन कर रखा है और मेयर साहब को यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए पब्लिक की हालत क्या है। मैं मेयर साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब पब्लिक की समस्या को देखें, समाधान करें। अभी पानी का 24 घंटे के अंदर निर्धारण हो पूरा, लेकिन पानी का कोई निर्धारण नहीं हो रहा है। एक हफ्ते की समस्या बता के जा रहे हैं, लेकिन आज भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुबह 6 बजे से लेके 11 बजने वाले हैं, अभी तक कोई टैंकर नहीं आया, अभी तक कोई कुछ नहीं आया। अब आदमी कौन से टाइम पे काम पे जाएगा, कब क्या करेगा, जब पूरे दिन नहीं बैठा रहेगा। बच्चों को स्कूल भेजते तो मैडम बोलती है आप नहा के आओ, आपके बू आ रही है, आपसे बदबू आ रही है, तो बच्चे नहाएंगे कहाँ से और हम लोग कहाँ से नहाएंगे काम पे जाने के लिए। हमारे यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, हमने कई बार मतलब कोशिश करी इन अधिकारी लोगों के पास जाने की, मतलब ये हमें ऐसे टाल के चली जाते हैं, ना ही तो कोई पानी की समस्या कि समझ लगवाएंगे कि ये करेंगे कि वो करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। जीएम और मेयर साहब यहाँ चाहिए जो हमारे जयगंज सरायकाजी
मार्च मार्च से समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, पानी बूंद नहीं आ रहा है, इतने भागे भागे फिर रहे हम लोग, पानी की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। ना सुबह नहीं आ रहा ना शाम को आ रहा पानी, ये बताओ है? अब पानी बढ़ती है तो मार पिटाई हो जाती है आपस में पब्लिक में, एक समर तो कम से कम लगनी चाहिए मोहल्ले में, परेशानी ना हो जाएगा, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, समर तो लगनी चाहिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम के कूड़ा विलोपित स्थल A2Z प्लांट में लगे कूड़े के ढेर में भयंकर आग लग गई और देर रात आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। देर रात दर्जन भर नगर निगम की गाड़ियों की मदद से आग बुझाने के प्रयास जारी रहे। डर इस बात का था कि आग की लपट आसपास की आबादी तक ना पहुंच जाए। आग लगने के बाद नगर निगम की गाड़ियों सहित दर्जन भर लोग वहां पहुंच गए। देर रात नगर आयुक्त अमित असरी, एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट भी पहुंच गए। अग्निशमन विभाग की टीमों और नगर निगम की गाड़ियों से चारों ओर से आग बुझाने का प्रयास जारी रहा। बता दें मथुरा रोड पर नगर निगम का कई दशक पुराना कूड़ा विलोपित स्थल है। इस स्थान पर अब तक A2Z द्वारा कूड़ा एकत्रित किया जाता है। एक माह से कूड़ा उठाने का काम A2Z को हटाकर दूसरी कंपनी को दे दिया गया है। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह राठौर। राहुल जी, ये प्लांट में जो आग लगी है, ये किस तरह से आग लगी है, कब से लगी है, कुछ जानकारी है? ये आग अभी लगी है, जैसे हम लोगों को जानकारी हुई तुरंत आनंद फानंद में हम लोग यहाँ आए हैं और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई है अभी, फिर दूसरी गाड़ी भी आ रही है अभी, और धीमे धीमे देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, करा के जाएंगे। फायर ब्रिगेड के अलावा और भी कोई साधन है जिससे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है? फायर ब्रिगेड के अलावा हमारे प्लांट का है अपना थोड़ा बहुत टंकी में पानी है तो उससे लेजम से करवा रहे हैं और कोशिश करी जा रही है बुझाने की। अभी एक्सकेवेटर और लगाते हैं तो कचरे को काटते हैं, तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आग को बुझाया जाए। लगभग कितनी मात्रा में कचरा यहाँ पर रोज प्रतिदिन लाया जाता है? देखिए, हम लोग दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हम लोगों को क्वांटिटी नहीं पता है। A2Z हैंडल करती है इसको, लेंटल को। हम तो सहयोग कर रहे हैं और सहयोग की दिशा में आए हुए हैं यहाँ। क्या लगता है कब तक आग पर काबू मिल जाएगा? अब इसमें टाइम नहीं बता सकते, अब जितना कोशिश कर रहे हैं सारे लोग मिलकर, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे नियंत्रण इस पर। अब ये घटना लग गई है, इंसिडेंट है, पता नहीं कैसे लगी, इसको देखा जा रहा है, बुझाने का प्रयास किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो कब से लगी है, कितना समय हो चुका है? अभी थोड़ी देर पहले पता चला है। बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वगैरह, बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम को गया, नगर निगम पूरी टीम आ रही, पानी टैंकर आ रहे हैं, मशीनें आ रहे हैं, सब पूरा प्रशासन को कार्य किया जा रहा है, नगर मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं। ठीक है, एडिशनल अपर नगर आयुक्त भी आ रहे हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। अलीगढ़ में अब ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जहां भीषण गर्मी में आमजन को कूलर और एसी की जरूरत पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब विद्युत ट्रांसफार्मर भी बिना कूलर की हवा के नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ के लालडिग्गी विद्युत उपकेंद्र पर लगे ट्रांसफार्मरों के लिए भीषण गर्मी में कूलर लगाए गए हैं जो ट्रांसफार्मरों को ठंडी हवा दे रहे हैं। ये जो ट्रांसफार्मरों पे कूलर लगाए गए हैं, ये पावर परिवर्तक हैं 10 MVA के। इनका जो एक होता है वाइंडिंग टेम्परेचर, एक होता है इसका ऑयल टेम्परेचर, ऑयल वाइंडिंग टेम्परेचर, और एक वो वाइंडिंग टेम्परेचर। तो उसका जो वहाँ पे एक वो लगा हुआ है वो मीटर, उसमें अगर वो 60 डिग्री के ऊपर 70 डिग्री के ऊपर है तो मतलब हाई अलार्मिंग सिचुएशन है। उसकी वजह से इसके कंजर्वेटर के पास, और सॉरी कंजर्वेटर नहीं, इसका रेडिएटर पे दो कूलर बड़े बड़े लगाए गए हैं ताकि वो उसकी जो हीटिंग है वो कम रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह इतनी भीषण गर्मी में आम इंसान को कूलर और एसी की जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर को भी कूलर एसी की जरूरत पड़ रही है? हाँ, ट्रांसफार्मर को भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका मैंने आपको जैसे बताया कि टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो उसमें हीटिंग ज़्यादा होगी, हीटिंग होने से वो हो सकता है मतलब उसमें खराबी आ सकती है। इसलिए कूलर लगाए गए हैं। और किस तरह मजदूर इनकी देखभाल कर रहे हैं? दो कूलर लगाए गए, 2 10 MVA के ट्रांसफार्मर हैं, 2 लगाए गए हैं उस पर, और उसको सुबह एक बार भरते हैं कूलर को 8 बजे और एक बार 4 बजे भरते हैं, और रात तक उसके टेम्परेचर हर घंटे चेक करते रहते हैं टेम्परेचर को। जैसे टेम्परेचर उससे कम हो जाता है 50 डिग्री 40 डिग्री से कम, तो फिर कूलर बंद कर देते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के थाना डिबाई इलाके के दानगढ़ में 4 लाख की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों पर बहू को जहर खिलाने का आरोप है।
मृतका 24 वर्षीय भावना की शादी 4 वर्ष पूर्व दानगढ़ में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग भावना से 4 लाख की मांग करते थे और उसे प्रताड़ित करते थे। मंगलवार को भावना के मायके पक्ष के लोगों को भावना की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी। सूचना पर मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे तो भावना की हालत ज्यादा गंभीर थी और भावना ने ससुरालीजनों पर जहर खिलाने की बात कही थी। घटना के बाद मायके पक्ष के लोग भावना को इलाज के लिए अलीगढ़ के निजी अस्पताल ले आए, जहां मंगलवार रात्रि इलाज के दौरान भावना की मौत हो गई। फिलहाल घटना के बाद बुधवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। आलोक जी कहाँ रहते हैं? तेजपुर। तेजपुर, और ये कौन है जिनकी डेथ हुई है? भतीजी है हमारी। क्या नाम है? भावना। उम्र कितनी है? लगभग 24 साल। कहाँ शादी हुई थी इनकी? दानगढ़ डिवाई थाना। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? अब ये पहले से परेशान करते थे लड़की को, कई बार वहाँ गए भी है, फैसला भी गए, पैसे भी दिए थे इनको, हम भैया परेशान मत करो, हाथ पाथ जुड़े बहुत खुशामद की, पर लोग बार 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 तंग करते थे। फिर इस लड़की को कल हमें सूचना मिली कि लड़की को जहर दे दिया है। जहर देने का कारण क्या रहा, किस चीज़ की डिमांड करते थे? दहेज की डिमांड करते, पैसे की डिमांड करते थे। क्या, कितने रुपए मांगते थे? 4 लाख रुपए। किस बात के लिए? गाड़ी लानी है, लड़का गाड़ी ड्राइवर करता, मैं गाड़ी लाऊंगा और मैं गाड़ी चलाऊंगा। कल क्या घटना हुई थी? कल हमें तो सूचना मिली 7 बजे शाम को, सुबह हम लोग वहाँ पहुँचे, देखा तो ये घर से गांव से मालूम पड़ी, गए दिवाई हॉस्पिटल ले गए, दिवाई हॉस्पिटल पहुँचे हम लोग, लड़की तड़फड़ा रही थी, पेट में जलन बता रही थी, पूछी थी उससे क्या बात है बेटा, इन लोगों ने सबने मुझे, मैं झाड़ू लगा रही थी, इन लोगों ने पकड़ते बस मुझे देर दिया, पैसे अभी तक नहीं आए। अब वो कहाँ इनके ससुराल पक्ष के लोग? ससुराल वहाँ से हम फिर ले करके पृथ्वीराज हॉस्पिटल आ गए, पृथ्वीराज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, ये वहीं थे, सूचना देनी पड़ी पुलिस को। ससुराल पक्ष के लोग कहाँ हैं इनके? थाने में हैं। कितने लोग यहाँ से थाने ले गए, पता नहीं, ससुर सास और पति थाने में। कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है आपकी तरफ से? रात हम दे के आए एप्लीकेशन। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के रामघाट रोड पर स्थित महाजन होटल में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए आयोजक समिति ने कहा कि 31 मई को राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती समारोह बड़े ही भव्य रूप से मनाया जाएगा। सर्वप्रथम 31 मई को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सासनी गेट पर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। वहीं प्रातः 11 बजे से शाम 3 बजे तक डीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी व डॉक्टर विनोद सिंह धनगर व विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी बुलंदशहर दीपक कुमार पाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ संध्या रानी उपस्थित रहेंगी। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से एसपी सिंह धनगर, अध्यक्ष राजकुमार धनगर, महासचिव रामू धनगर, जिला पंचायत सदस्य आदि मौजूद रहे। परम श्रद्धेय राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 299वें जन्म महोत्सव के अवसर पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं जो मातेश्वरी में आस्था रखते हैं, वो लोग सुबह 9 बजे अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से शुरू होकर एक रैली के रूप में सासनी गेट पहुँचेंगे। वहाँ मातेश्वरी अहिल्याबाई के होलकर के उसमें पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम डीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में रखा गया है, जिसमें जनसभा के रूप में हम लोग एकत्रित होकर इस भव्य प्रोग्राम को, एक उत्सव को, जिसे हम लोग उत्सव के रूप में, एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, इसको हम एक ऐसी दिशा देना चाहते हैं जिससे कि सभी को प्रेरणा मिले, हम लोगों के जो मातेश्वरी के वंशज हैं, जो भी लोग हैं, उनको एक ऊर्जा मिले और सब लोग मिलकर के मातेश्वरी को नमन करें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये हमारा प्रोग्राम रखा गया है। आज प्रेस वार्ता जो रखी गई है, किस संबंध में रखी गई है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के 299वें जन्म जयंती समारोह के संबंध में जानकारी प्रदान करना है और इस कार्यक्रम के बारे में 31 मई को सुबह सबसे पहले क्वारसी महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरुआत होगी, जहाँ पे
रैली और शोभा यात्रा में समाज के बंधुगण, उनके वंशज, सारे लोग, धनगर पाल बघेल समाज के लोग एकत्रित होंगे। उसके बाद विशाल जुलूस और शोभा यात्रा के रूप में देवी अहिल्याबाई होलकर चौराहा शासनी गेट पर मातेश्वरी के प्रतिमा स्थल तक जाकर के माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करेंगे और वहां पर प्रसाद वितरण होगा। उसके पश्चात सभी उनके जितने भी श्रद्धा रखने वाले लोग हैं वहां से धर्म समाज कॉलेज में ऑडिटोरियम में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे मातेश्वरी के विचारों, आदर्शों और उनके सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा ली जाएगी और मातेश्वरी के चरणों में नमन करके वहां से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। ये हमारे कार्यक्रम का प्रोग्राम है। इसमें कोई मुख्य अतिथि के रूप में जी, इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समाज के एक बहुत ही विशिष्ट और सफल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो बाई प्रोफेशन डॉक्टर विनोद सिंह धनगर जी इसके मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा श्री दीपक कुमार पाल जी SDM डिवाई इसके विशिष्ट अतिथि हैं और श्रीमती संध्या रानी बघेल जी जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ़ इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा हमारे एक ASP साहब श्री योगेश कुमार जी भी प्रतिभाग करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और धनगर समाज के एक IAS अधिकारी श्री महेंद्र सिंह जी ने भी हमें कार्यक्रम में आने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया है। ऐसे महानुभाव कार्यक्रम में पढ़ा रहे। यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। राजमाता मातेश्वरी अहिल्याबाई का 299वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, आप सभी का सहयोग चाहिए, बाकी हमारे वक्त आए हुए हैं वो बता रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।